हाय गाइस, तो चलिए हेडिंग लगाइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस ऐसे टाइम को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हमारा एक्शन, जो एक्शन है, जो इवेंट है, वो कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ था और स्टिल वो कंटिन्यू है। ऑलराइट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू एक्सप्रेस दैट द इवेंट और एक्शन विच हैज़ बिगेन सम टाइम एगो। दैट मीन्स कि इसमें जो घटनाएँ होती हैं, जो एक्शंस होते हैं, वो कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ है, बट स्टिल दैट एक्शन इज कंटिन्यूड इन द प्रेजेंट टाइम। ऑलराइट, स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम। सेकेंड यहाँ पर यह है कि एन एक्शन विच हैज़ गोइंग ऑन टिल अ वेरी रिसेंट पॉइंट ऑफ द टाइम एंड वॉज इफेक्ट और रिजल्ट स्टिल प्रेजेंट। सो कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं कि जो कुछ टाइम पहले स्टार्ट होता है, स्टार्ट तो हो गया लेकिन जो उसका इफेक्ट है वो हमें प्रेजेंट में दिखाई देता है, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम स्ट्रक्चर लगाते हैं। ओके गाइस, चलिए स्ट्रक्चर लगाइए इसका। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव प्लस बीन प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ आईएनजी, देन सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड देन ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहले ही बताया गया था कि इसमें आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन किसी का भी यूज़ किया जा सकता है या फिर किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ और हैव यूज़ होगा, हैज़ हैव के साथ बीन यूज़ करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, उसके बाद आपको सिंस और फॉर लगाना है, फिर टाइम एंड देन ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए कि आपका हैज़ और हैव किसके साथ लगेगा, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, एक बार फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। हैज़ ये अप्लाई होगा थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन लाइक ही, शी, इट और नेम, किसी का भी नाम हो सकता है यहाँ पर। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑक्सिलरी पुट करना है। अगर बात की जाए हैव की, तो हैव फर्स्ट और सेकंड पर्सन, दैट मीन्स आई, वी, दे और यू के साथ यूज़ होगा। ऑलराइट, देन है हमारा बीन। बीन आप हैज़ और हैव दोनों के साथ पुट करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपका रहेगा यहाँ पर, देन सिंस एंड फॉर। सो यहाँ पर लेट मी क्लियर वन थिंग कि सिंस और फॉर कहाँ पर यूज़ होना है। सिंस और फॉर जस्ट टाइमिंग से पहले आपको लगाना है, सिंस और एक जहाँ पर डिसाइडेड टाइम होगा, डिसाइडेड टाइम दैट मीन्स कि जैसे मंडे, ट्यूसडे, मंथ का अगर नाम है जैन, फेब, मार्च, एनीथिंग, और अगर यहाँ पर जैसे टाइमिंग दिया हुआ है 9 o'clock, 10 o'clock, तो वहाँ पर आपका सेंस यूज होगा। ठीक है, अगर 10 o'clock इन द मॉर्निंग है, ठीक है, AM, PM, whatever, जो भी यहाँ पर है, तो वहाँ पर आपको सेंस यूज़ करना है। अगर ईयर है, ईयर लाइक 2006 हुआ, 2010 हुआ, कुछ भी, तो यहाँ पर जो भी डिसाइडेड ईयर है या डिसाइडेड टाइम है वहाँ पर आपको सेंस लगाना है। और जहाँ पर आपका टाइम डिसाइडेड ना हो, जैसे हाफ एन आवर, 2 hours, 3 hours, 1 month, 10 year, इस तरह से अगर दिया हो, क्योंकि अगर 10 year है तो कौन से 10 साल, तो इसीलिए यहाँ पर ये फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो जहाँ पर फिक्स टाइमिंग ना हो वहाँ पर आप फॉर यूज़ करेंगे, और जहाँ पर टाइमिंग डिसाइडेड हो, फिक्स हो, वहाँ पर आप सिंस यूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए हम सेंटेंस लगाते हैं। अब सेंटेंस हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाना है, सो गाइज डोंट बी कन्फ्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट
सब्जेक्ट हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, चलिए आई रख लेते हैं। आई हैज या हैव, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई के साथ हैव लगेगा, तो यहाँ पर होगा हैव। बीन तो दोनों के साथ लगाना है, तो आई हैव बीन। अब है वर्ब, वर्ब कुछ भी हो सकता है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक लिख देती हूँ, टीच। इसके साथ क्या यूज होगा, आई एन जी, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस टू थाउजेंड सेवेंटीन, दैट इज़ अ फिक्स्ड ईयर, ठीक है, यहाँ पर एक ईयर है 2017, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंस लगाया है। एंड सपोज अगर यहाँ पर सिर्फ होता और स्कूल थ्री ईयर्स, तो थ्री ईयर्स ये तो डिसाइडेड नहीं है ना, कौन से तीन साल, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर फॉर यूज़ करते, क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट एक और सेंटेंस बनाते हैं, इसको रब कर देती हूँ, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो नेक्स्ट लगाते हैं इस पर, अच्छा सेकंड स्टेटमेंट मैंने ये बताया था कि कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो कुछ टाइम के पहले स्टार्ट होते हैं बट उसका जो इफ़ेक्ट है वो प्रेजेंट में दिखाई देता है, तो वहाँ पर भी उस टाइम को भी प्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो उसके इफ़ेक्ट को यहाँ पर इफ़ेक्ट बेस्ड पर एक सेंटेंस बना लेते हैं। यू के साथ क्या लगेगा, हैव, यू हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर दैट्स वाई यू आर सिक। हे गाइस, प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विथ स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, आइडेंटिफिकेशन एंड सेंटेंस, जैसे कि जिस इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें स्टार्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन होती थी ता है, ती है, ते हैं, जैसे वो पढ़ता है, जाता है, खाता है, सोता है, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी की तरह हमारे पास्ट इंडेफिनिट है, बस फर्क ये है कि वो प्रेजेंट में होता था और ये पास्ट के एक्ट के बारे में इसको बताना है, जैसे कि वो पढ़ता था, वो पेंटिंग करता था, वो डांस करता था, गाना गाती थी, स्टेज परफॉर्मेंस देता था। तो गाइस हेडिंग लगाइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे सिंगल एक्ट जो पास्ट में हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन लिख लीजिए। आइडेंटिफिकेशन, तो पास्ट इंडेफिनिट के आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो जैसे किसी भी एक्ट, ऐसे एक्ट को जो हैबिचुअल एक्शंस होते थे या जो रेगुलर एक्शंस होते थे, तो उन्हें बताने के लिए भी यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज़, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि वो स्टेज परफॉर्मेंस देता था, वो स्मोक करता था, वह डांस करती थी, वह गाना गाती थी, वह पेंटिंग करती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जहाँ पर आप ता था, ती थी, ते थे, मतलब वह डांस करता था, स्टेज परफॉर्मेंस देता था, वह पेंटिंग करती थी, वे किताबें लिखते थे, तो
इस तरह के जहाँ पर भी सेंटेंस हो वहाँ पर हमें पास इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। ऑलराइट, चलिए स्ट्रक्चर लगाइए। सब्जेक्ट प्लस, रिमाइंड कीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस देन ऑब्जेक्ट पुट करते थे, यहाँ पर हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। पूरे टेंस में हमारा सिर्फ पास इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा टेंस है जहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है, तो यहाँ पर आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है ये, चलिए इसी के अकॉर्डिंग, इसी पर बेस हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सॉरी सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सब्जेक्ट ही ले लेते हैं इस बार, ही यहाँ पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपको मेन वर्ब यूज़ करना है और उसका सेकेंड फॉर्म लगाना है। तो ही वेंट, वेंट किसका फॉर्म है ये, ये है गो, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, गो वेंट गॉन। तो ही वेंट दिल्ली, ऑलराइट ही वेंट दिल्ली। एक और सेंटेंस बनाते हैं, दे पब्लिश्ड, दे पब्लिश्ड अ बुक, अ बुक नहीं करेंगे, बुक्स कर देते हैं। ऑलराइट, चलिए अब इसी सेंटेंस में हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव लगाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए पहले स्ट्रक्चर लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले हम, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑक्सिलरी तो है नहीं, तो यहाँ पर हमें सेकेंड फॉर्म से खुद ही ऑक्सिलरी निकालना है, तो ये है सेकेंड फॉर्म आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी निकलेगा डिड, देन सब्जेक्ट। जब हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म से यहाँ पर हम डिड निकालेंगे तो हमारा जो वर्ब है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑलराइट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए हमें सेंटेंस के साथ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं, तो सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर हम पुट करेंगे ऑक्सिलरी डिड, तो सेंटेंस होगा डिड शी, अब वेंट से यहाँ पर हो जाएगा क्या, गो, डिड शी गो फॉर वॉक, फॉर वॉक डेली, डेली भी लिख सकते हैं यहाँ, यहाँ पर एवरीडे भी यूज किया जा सकता है, एवरीडे, देन क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, ठीक इसी तरह से इसका नेगेटिव बनाएंगे हम। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, याद रखिए जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यहाँ पर डिड का यूज़ करेंगे, डिड देन सब्जेक्ट देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, अगर नेगेटिव की बात की जाए तो सब्जेक्ट के बाद हमें डिड नॉट पुट करना है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनाते हैं, शी डिड नॉट गो फॉर वॉक एवरी डे, एवरी डे या डेली कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, सो शी डिड नॉट गो फॉर वॉक एवरी डे, ठीक है, तो एक सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर हमने इंट्रोगेटिव बनाया देन नेगेटिव बनाया, बहुत ही इजी है, इसको आप डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ही छोटे छोटे शब्द होते हैं जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं अपनी साधारण बोलचाल भाषा में, तो उसे आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं मार्केट गई थी, ऑलराइट, मैं मार्केट गई थी, तो आई वेंट मार्केट, मैं खाना बनाती थी, मैंने खाना बनाया, तो आई कुक्ड फूड, आई वेंट मार्केट, आई वेंट पिकनिक, ऑलराइट, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये छोटे छोटे शब्द हैं जो आप अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।